खरगोन पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त एक महिला को गिरफ्तार करके मौके से तकरीबन 7 लाख रुपए के बेशकीमती 705 नग गांजे के हरे पौधे एक खेत से बरामद किए। बता दें कि चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि कोटा बेड़ा गांव के खेत में गांजे के पौधे लगे हैं। सूचना पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस महकमे ने टीम गठित की और मुखबिर के बताई जगह पर दबिश दी, जहां से 705 नग गांजे के हरे पौधे जब्त हुए और मौके से एक महिला को बरामद किया, जबकि उसका पति मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम ऑपरेशन प्रहार के तहत महिला को पकड़ा है और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। थाना चैनपुर जिला खरगोन स्थित ग्राम कोट पेड़ा में गांजे की पौधों की खेती की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से हमारे थाना चैनपुर के थाना प्रभारी की टीम और इसमें उनके सहयोग के लिए हमने भगवानपुरा के थाना प्रभारी और उनकी टीम को भी लगाया गया था, जो घेराबंदी में आवश्यक सहयोग कर सके। और सूचना पर जब मौके पर पहुंचे तो मौके पर फसलों के बीच में गांजे के 705 हरे पौधे पाए गए, जिन्हें बरामद कर विधिवत पहचान कार्रवाई कर जब्त किया गया। और जब्त करने के बाद जब उसका वजन किया गया तो लगभग 155 केजी वजन पाया गया, जिसका बाजार मूल्य हम अनुमानित रूप से लगभग 7.5 लाख रुपए अनुमानित मानते हैं। और इसमें दो आरोपी हैं, एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी जो है जंगल झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हुआ है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। प्रकरण अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।